जिस्म से पसीना निकले। एक तरीका यह है कि आप जो है औरत के लिए जैसे बच्चे को फीड कराए, उससे भी एनर्जी सर्व होती है उसकी, निकाह के बाद इंसान की एनर्जी ज्यादा खर्च होती है, तो ये सारे तरीके। इस तरह हिजामा जो कराया जाता है, खून निकाला जाता है, इससे भी आपकी सेहत। भाई आप वैसे किसी को खून दें, सब डॉक्टर कहते हैं खून देने से सेहत खराब नहीं होती, बल्कि मैं ऐसे लोगों को जानता हूं हर 6 महीने में खून दे रहे हैं और 10 साल से उनको कोई बीमारी नहीं हुई है, हर 6 महीने में खून दे देते हैं, क्योंकि पुराना खून निकलता है नया बनता है, तो बीमारियों को डेरा जमाने का मौका मिलता ही नहीं है। इसी तरह याद रखें कि कुछ वक्त के लिए सप्लाई को रोक लेना, खुराक की सप्लाई को रोक लेना, ताकि मैदा जो है ना, मैदा और हमारी बॉडी, वो जितने हमारे जिस्म में फासिद मादे हैं उनको इस्तेमाल करके काम में ले आए, कचरा जल जाए, ताकि बीमारी के जितने इम्कानात थे वो सारे इम्कानात क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो ये भी हमारी सेहत के लिए इतना ही जरूरी जितना एक्सरसाइज करना जरूरी है। उफ कैसे समझाएं यार। देखो हम जब कई कई हफ्तों भूखे रहते हैं ना, कई कई हफ्तों, तो क्या होता है, हम जब खा रहे हैं, पराठे भी खा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं, जायदादें भी खा रहे हैं, बहन की विरासत भी खा रहे हैं, बीवी का मेहर भी खा लिया, रिश्वत भी खा ली और क्या क्या खा लिया, अब वो तमाम चीजें हमारी एक्सरसाइज से यूटिलाइज नहीं होती। ये गलत फहमी है, एक्सरसाइज हर चीज का आखिरी हल नहीं है, फिर भी वो कहीं ना कहीं कोने खांचों में रह जाते हैं। अब मैं देखो मेडिकल साइंस की जबान नहीं इस्तेमाल करूंगा क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूं। बाल लोग कहते हैं डॉक्टरों की जगह आके ना बड़े फंटरगिरी कर रहे हैं, इनको क्या पता। तो मैं तो अपनी जबान में आपको समझाऊंगा ना, या जो बिल्कुल सादा जबान में, क्योंकि मैं डॉक्टर थोड़ी हूं, लेकिन ये सेहत के बुनियादी उसूल हैं और ये डॉक्टर भी कहते हैं। आप सर्च करो, आपको पता चलेगा, जो गोरों की बनाई हुई वेबसाइट्स हैं उनमें आप जाओ, जो ऑथेंटिक हैं वो भी इस बात का इकरार करते हैं कि रोजा रखना इंसान की सेहत के लिए इंतहाई जरूरी। आपको पता है गोरे इस पर आ रहे हैं कि हफ्ते में 5 दिन खाओ, 2 दिन फास्टिंग, ये बिल्कुल इस्लाम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हफ्ते में 2 दिन रोजा रखने का हुक्म दिया, सुन्नत है पीर और जुमेरात का रोजा। गोरे भी ये तहकीक कर रहे हैं कि 5 दिन खाओ, 2 दिन बोलो भाई नागा करो। तो होता क्या है कि जब हम भूखे रहते हैं, वक्ती तौर पे कमजोरी होती है, रोजे में जाहिर है कमजोरी होती है, ऐसे फ्रेश नहीं हो, असर के बाद तो ऐसे मुरझे मुरझे से। मैं देखता हूं असर की नमाज में जो वहां बैठा हुआ है तो उधर बैठा हुआ है, कोई किसी पे एतराज नहीं कर रहा। और बाज दफा उसमें यह भी होता है कि चूंकि भूख प्यास होती है कमजोरी, तो कमजोरी में इंसान को गुस्सा ज्यादा आता है, थोड़ा सा छेड़ दो तो ऐसा छिड़ेगा फिर वो खड़ी खड़ी सुनाएगा। देखें दूध की दुकानों पर, पकौड़ों की दुकानों पर इफ्तारी के वक्त में बड़े पड्डे हो रहे होते हैं। तो होता क्या है, वक्ती नुकसान होता है कि कमजोरी होती है जिस्म में, लेकिन हमारी बॉडी वो सारे गलीज मादे आहिस्ता आहिस्ता खाना शुरू कर देती, निथर जाता है जिस्म। 1 महीने तक ये प्रोसेस जब होता है, इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, आप कैंसर की बीमारी को कई किलोमीटर दूर धकेल देते हैं। कैंसर है क्या, ये जो फाजिल मादे है ना जिस्म में, जो हमारी सेल्स की जो नेचुरल टूट फूट नहीं होती, फिर ये कहीं से इधर से फोड़ा बन के निकला। तो इसको मैं देशी जबान में कहूंगा, ये जो पराठे हैं ना जो जरूरत से ज्यादा खा रहे हो, ये फोड़े बन के निकलना शुरू हो जाते हैं। वो जो हमारे खलिये हैं, जो सेल्स हैं, उनकी टूट फूट गलत तरह से टूट फूट होने लगती है। बच्चों में कैंसर के इम्कान कम क्यों होता है, उनकी ग्रोथ हो रही है, वो जो खा रहे हैं। जब आपकी एक उम्र तक आप पहुंच गए, आपकी ग्रोथ रुक गई, अब आप जो इजाफी खाओगे वो बीमारी की शक्ल में जाहिर होगा। तो रोजा रखना ये कैंसर को बोलो भाई दूर कर दे। बल्कि बाज हकीमों की मुस्तनद जराए से हमें इत्तला मिली है कि उन्होंने कैंसर का जो इलाज कराया है वो मरीज को भूखा रख के कराया है। ऐसे भी कैंसर के मरीज लाइलाज मरज, जिनको बड़े बड़े अस्पतालों ने कह दिया कि ये ठीक नहीं हो सकते, उनको हकीम किबला हकीम ने क्या किया, खाना पीना छोड़ दो इसका। ओ ऐसा बेचारा सूख के हड्डियों का ढांचा, जब देखते ना कि मर रहा है तो 2 कतरे टपका दिए ग्लूकोज के, बस इतने मरे नहीं। उससे क्या फायदा हुआ है कि वो जो कैंसर के जरासीम थे ना, वो भी आहिस्ता आहिस्ता, भाई उनको भी तो ये पराठों से ही, वो भी तो यही बर्गर पिज्जा जा रहा है ना, वो भी तो यही खाते हैं, उनको भी खुराक बोलो भाई नहीं मिली, वो भी कमजोर होके मर गए। और जब देखा है कि किबला हकीम ने कि ये बिल्कुल मर गए हैं,
اب اس کو کھلانا شروع کر دیا. یہ علاج ہوا کرتا تھا پہلے زمانے میں کینسر کا, لیکن یہ بڑا خطرناک ہے, اس میں حضرت جی بھی ٹہل سکتے ہیں جراثیم کے ساتھ. خود یہ جو اتنا بڑا جرسوم ہے یہ بھی چلا گیا دنیا سے. لیکن اس طرح کئی لوگوں کا علاج ہوا ہے. تو اس اسٹیج پہ پہنچنے سے پہلے پہلے اگر انسان اپنے آپ کو بھوکا رکھنے کا عادی بنا لے تو اچھا نہیں ہے, کیا خیال ہے؟ تو یہ بہت مفید ہے صحت کے لیے. اور گرمیوں کے روزے زیادہ مفید ہیں کیونکہ اس میں پسینہ نکلتا ہے, پیاس کی شدت بڑھتی ہے, اس میں وہ روزے کے مقاصد جلدی حاصل ہوتے ہیں بنسبت سردیوں کے. یہ آپ کو جسمانی فائدہ ہوتا ہے. ایک جسمانی فائدہ آپ کو کیا ہوتا ہے, ایک اور, آپ میں قوت برداشت بڑھتی ہے. جو کھانے پینے والا آدمی ہے نا, ہر وقت اس کو کچھ نہ کچھ چاہیے, ورنہ اس کا دل نہیں لگتا. جب آپ کئی کئی گھنٹوں بھوکے رہتے ہیں تو آپ بھوکے رہ کے بھی کام کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ اس عادت کو مینٹین رکھ سکتے ہیں پھر پورے سال, کہ یار میں رمضان میں اتنا تھوڑا کھا کے اتنا اچھا چلا ہوں تو اب میں دوپہر کھانا تھوڑا کھا کے کیوں نہیں چل سکتا. تو پورے سال پھر آپ کم کھانے پہ گزارا کر سکتے ہیں, اور اگر کم کھانے پہ آ گئے تو بیماریاں ویسے ہی. تو یہ سارا مسائل کہاں سے کھڑے ہوتے ہیں, موٹاپے سے ہوتے ہیں. ساری بیماریوں کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے, موٹاپے کا مطلب کیا ہے, زیادہ کھا رہے ہیں. تو دو کھجورے کھاتا ہے انسان افطاری کے وقت میں اور پانی پیتا, کیسی کمر سیدھی ہو جاتی کہ نہیں ہو جاتی, 14 توک روشن ہو جاتے ہیں. اس سے پتا چل جاتا ہے کہ ہمیں زندہ رہنے کے لیے اور چلنے پھرنے کے لیے, باڈی کو رن کرنے کے لیے اتنا کھانے کی ضرورت, بولو بھائی, نہیں ہے جتنا ہم کھا رہے ہیں. تو روزے کا یہ بھی فائدہ ہے. تو میرے بھائی, رکھو تو اللہ کے لیے, دنیا کے لیے نہ رکھو, لیکن غریبی میں یہ فائدے بھی انشاءاللہ ہوں گے. نظر تیز ہو جاتی ہے, دماغ صحیح کام کرنے لگتا ہے, قوت برداشت بڑھتی ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ اسٹیمنا بڑھانا, یہ تو دنیا میں ہر شخص چاہتا ہے کہ میرا اسٹیمنا بڑھے, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بہت سے لوگ اس لیے بھاگتے ہیں تاکہ ہمارا اسٹیمنا بڑھے اور ہم زیادہ دیر تک بھاگ سکیں. جم خانے میں جو باڈی بلڈر وزن اٹھاتا ہے اس لیے کہ میرا اسٹیمنا بڑھے اور میں زیادہ سے زیادہ وزن, بولو بھائی, اٹھا سکوں. اسی طرح یہ بھی تو اسٹیمنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ بھوکا رہ سکیں.